हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो आपको लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, यह 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन। देखो, आपको ये तो फर्स्ट इक्वेशन में से या सेकेंड इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालोगे तो सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे, अगर सेकेंड में से निकालोगे तो फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन मैं फर्स्ट में से निकालती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में देखिए, आपके पास 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 है। अगर मैं 5y को RHS में ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस 5y क्या हो जाएगा, माइनस 5y। तो यहाँ पे फिर 8x है तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। ठीक, 8 इंटू एक्स है, क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन किसमें चेंज हो गया, डिवाइड में। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब देखिए, आपने कौन सी इक्वेशन में से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला है किसकी वैल्यू, एक्स। अब आपको सब्स्टिट्यूट किसमें करनी है, इक्वेशन टू। सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 5y अपॉन 8 इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3। आपकी ये इक्वेशन है सेकंड, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है। तो x की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए, इसको पहले ओपन कर दीजिए। 9 3 जा 27, 3 5 जा 15y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अभी 2y के अपॉन में 1 लिख लीजिए आप। अब आप LCM लोगे तो आपके पास LCM क्या आएगा, 8। 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बट आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 के साथ से। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 27 माइनस 15 1 प्लस 1 की टेबल में 8 8 टाइम्स आता है, 8 टू जा 16 16 1 इक्वल्स टू 4। अब देखिए 27, यहाँ पे देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस, पहले आप y को सॉल्व करोगे, माइनस 15y प्लस 16y है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 4। अब आप इसको 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 27 प्लस y इक्वल्स टू 8 4 जा 32, देन y इक्वल्स टू 32 माइनस, देखो प्लस 27 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 27, क्या आएगा y इक्वल्स टू 32 माइनस 27 क्या होता है, 5 होता है। अब आपको y की वैल्यू मिल गई, y कितना है 5 है। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए और x के आंसर निकाल लीजिए। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, ये आपकी इक्वेशन 3। x माइनस 9 5y, y इज 5 अपॉन 8। देन x इक्वल्स टू 9 माइनस 25 अपॉन 8। तो देखो 9 माइनस 25 अपॉन 8 तो कितना आएगा आपके पास, 25, आप कर सकते हो 15, 6 होगा आपके पास 16 होगा। 25 में से माइनस किया 9 को तो 16 अपॉन 8, बट साइन किसका लगेगा, आपके पास बड़े नंबर का लगेगा, 25 बड़ा है उसके पास, क्या है माइनस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप कट कीजिए क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस। अगर आपको चेक करना है कि आपने आंसर करेक्ट किया है कि नहीं तो वो आपको आता है, आपको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड
किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा. आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो y क्या था 5 और x क्या था माइनस 2. आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करोगे तब भी आपको वही आंसर मिलेगा. तो देखो पहले 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या था आपका 9 था, आपने उसको LHS में ले आए तो माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अभी 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इसमें आपको a1, a2, b1, b2 सब पता है. आपको a1 क्या होता है, a1 इक्वल्स टू 8 यहाँ पे, a2 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 5 एंड b2 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू माइनस 9 एंड c2 इक्वल्स टू क्या है माइनस 4 है. जो भी x के पास कोफिशियंट होता है वो a होता है, y के पास कोफिशियंट होता है वो b होता है और c क्या है आपका कॉन्स्टेंट टर्म. तो आपको कैसे करना है सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x रहता है तो आपका स्टार्ट b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2. नेक्स्ट कॉन्स्टेंट a1 a2 b1. देखो याद करने का भी तरीका है कि आप x x से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके आगे वाले टर्म से आपको नीचे आपको लिखना है. देखो आपके पास x था, इट मींस a नहीं था, आपने स्टार्ट कहां से किया b1 b2 c1 c2. जब आपके पास b या आपको y निकालना था तो y को नहीं लेना था, c1 c2 a1 a2. जब आपको कांस्टेंट निकालना था तो कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना था, a1 a2 b1 b2. अब आप पुट कीजिए x. देखो ये b1 अपॉन b2 नहीं है, b1 b2 है. b1 क्या आपके पास 5, 2, c1 इज माइनस 9 माइनस 4 इक्वल y अपॉन c1 इज माइनस 9 माइनस 4 a 3, 1 अपॉन a 3 5 2. मैंने पुट कर दिया आपको वैल्यूज को, ये क्या है आपकी 2. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, करते आपको x मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा 5 4 20, माइनस 20 है क्योंकि माइनस 4 है, मिडल में आपको माइनस का साइन लिखना है. अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 9 18, 18 मीन्स माइनस 18 वाई 9 3 20, माइनस 9 इंटू 3 इज माइनस 27. अगेन माइनस साइन आपको मिडल में रखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 8 4 32 माइनस 32 वन अपॉन 2 8 16, 5 3 15. तो x अपॉन माइनस 20, माइनस माइनस इज प्लस, क्या मिल गया प्लस 18. देन y अपॉन माइनस 27, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 32, 1 अपॉन 16 माइनस 15. अब आप वैल्यूज निकालिए, देखो x अपॉन माइनस प्लस इज माइनस, जब आप माइनस करोगे 20 में से 18 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का, 20 के पास क्या है माइनस. y अपॉन प्लस माइनस इज माइनस, 32 माइनस 27 इज 5. यहाँ पे आप माइनस 5 नहीं लगेगा क्योंकि 32 बड़ा है, उसके पास क्या है प्लस 5 इक्वल 1 अपॉन 16 माइनस 15 इज 1. अब आपको देखो तीनों टर्म जो है वो आपकी क्या है, जो 3 है x y और कॉन्स्टेंट, तीनों एक दूसरे की क्या है इक्वल, मीन्स x अपॉन माइनस 2 y अपॉन 5 के इक्वल है. y अपॉन 5 किसके इक्वल है, 1 अपॉन 2 के इक्वल है. ओके x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1. देखो आप फर्स्ट और थर्ड को लोगे, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप इक्वल ले लेते हो तो x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 होगा. तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे x इक्वल्स टू माइनस 2 ये आपको वैल्यू. देखो अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर x भी आपको फाइंड करना था और y भी आपको फाइंड करना था. अब आप इन दोनों को इक्वल लीजिए, y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इक्वल्स टू. देखो जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तब भी आपका यही आंसर था,
जब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तब भी आपका यही आंसर था। एक बार आप एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो किया है कि वो करेक्ट है कि नहीं। तो किसी भी इक्वेशन आपके एग्जाम में रफ में कीजिएगा, कोई भी इक्वेशन है आपकी 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, पुट कर दीजिए आप इसमें x और y की वैल्यू। 8x इज माइनस 2 प्लस 5, 8 टू 16 प्लस 5 5 20। देखो प्लस माइनस आप करोगे माइनस 25, माइनस 16 करोगे तो आपको 9 ही मिलेगा। क्या चाहिए था आपको आरएचएस में? 9 मिला था। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट। ओके, थैंक यू।